तो इसलिए हम बना रहे हैं कि बहुत लोगों को नहीं मालूम है इसका टाइम टेबल, तो कल से बंद फिर हो रही है, कल से फिर बंद हो रही है, अब पता नहीं है, नहीं मालूम, पूछना पड़ेगा मुझे। कल से बंद हो रही है, पूछिए। ठीक, अच्छा, फिर वो बंद हो रही है, अंकल बोल रहे फिर से कल से बंद हो रही है, तो उसका भी हम आपको बता देंगे लास्ट में पूछ के। हाय गाइस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, यूट्यूब फैमिली को अनुराग संतोष ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत है। अभी हम खड़े हैं रेलवे स्टेशन के पास, और चाय पी रहे हैं और भैया को लेके आए स्टेशन छोड़ने। तो मैं सोचा एक सुबह जो इंटरसिटी जाती है जबलपुर, उसका टाइम टेबल बता दे, बहुत लोगों को नहीं मालूम है और खासकर मुझे भी नहीं मालूम था। तो चाय पीने के बाद चलते हैं स्टेशन पे, वहाँ आपको ट्रेन दिखाते हैं कितने बजे जाती है जबलपुर और कितने बजे पहुँचाती है, वो भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो बने रहेगा ब्लॉग में। और चाय पीना है तो बिल्कुल आ जाओ मेरी तरफ से आज, क्यों भैया? जी, ठंड का मजा ली। हाँ, ठंड का मजा ली, ठंड बढ़ गई है भैया आज से। तो चाय पी लिए हैं, तो ये हम पहुंच गए हैं स्टेशन पे। आप देख सकते हैं लोकेशन यहाँ पे, जैसे एंट्री करेंगे सामने में टिकट घर है। और मैं बता दूं, चालू टिकट भी चालू हो गया है। पहले लोग परेशान होते थे बहुत ज़्यादा टिकट के लिए, तो नहीं, आप टिकट काउंटर से भी टिकट ले सकते हैं। और सुबह के बज रहे हैं अभी 4। चलिए चलते ऊपर। सिंगरौली देख सकते हैं, और ये ट्रेन खड़ी है। तो ये ट्रेन लगी हुई है, आप देख सकते हैं, ये सिंगरौली रेलवे स्टेशन से सुबह में, मॉर्निंग में 4:40 पे यहाँ से खुल जाती है, मतलब चली जाती है, और पूरा दम खाली रहती है ट्रेन। बहुत अच्छी सुविधा फिर से चालू हो गई है, लॉकडाउन में बंद हो गई थी। ये वीडियो इसलिए हम बना रहे हैं कि बहुत लोगों को नहीं मालूम है इसका टाइम टेबल, तो कल से बंद फिर हो रही है, कल से फिर बंद हो रही है, अब पता नहीं है, नहीं मालूम, पूछना पड़ेगा मुझे। कल से बंद हो रही है, पूछिए। ठीक, अच्छा, फिर वो बंद हो रही है, अंकल बोल रहे फिर से कल से बंद हो रही है, तो उसका भी हम आपको बता देंगे लास्ट में पूछ के। फोटो आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसका टाइम टेबल अंकल पहुँचाते कितने बजे आप गए होंगे? तो वही 12:30, 1 बजे। अच्छा, 12:30, 1 बजे तक जबलपुर पहुंचा देती है। तो बहुत लोग मार्केटिंग करने जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा है, फिर से चालू हो गई, पहले चलती थी बंद हो गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चल के, मतलब नीचे उतरेंगे, फिर पूछ के भी बताते हैं कल से बंद होने वाली कि नहीं बंद होने वाली है। यहाँ पे खाली है, और दिखाते अंदर में आपको, पूरी खाली रहती है, पूरा सीट खाली है। अब इससे अच्छा सुविधा क्या मिलेगा आप बताओ, पूरा डब्बा खाली है पूरा। अब आगे जाके धीमे धीमे भरेगी, तब तक अपना सीट ले लो यहाँ से यार, और क्या चाहिए दोस्तों। बहुत लोग बोलते हैं ना कि अरे यार इस ट्रेन से जाने में पूरी रात खराब हो जाती है, तो रात खराब होती है तो दिन भी तो अच्छा रहेगा ना आपका, पूरा बर्थ खाली है, सो के जाएंगे, नींद तो पूरा होना भी है, और आप टाइम टेबल टाइम से पहुंच भी जाओगे। चलो बच्चों, हैप्पी जर्नी बेटा, हैप्पी जर्नी। नीचे दोस्तों ट्रेन चल रही है, टाइम कितना रहा भाई आपका? टाइम हो गया है 4:40 हो गया, मतलब टाइम टेबल के पक्का ट्रेन है ये। और आप देख सकते हैं छूट गई, मतलब चली गई, तो आप टाइम से पहले पहुंच जाएं, और ट्रैफिक के मामले में आप समझ लेना गड्ढा गुड्डी, तो आप 1 घंटा पहले आ जाओ यार, यहाँ वेट कर लो, ठीक है, उसे आराम से आप, ट्रेन भी नहीं छूटेगी,
ट्रेन कहीं भी, आप ट्रेन पकड़ो या फ्लाइट पकड़ो, कहीं भी जाओ यार, पहले पहुंच जाओ वक्त से पहले, तो आपके लिए अच्छा होगा। सभी जितने भी सवारी बैठे हुए हैं इस गाड़ी में, ट्रेन में, सभी को हैप्पी जर्नी हमारी तरफ से, और हमारी जितनी वीडियो देख रहे हैं पूरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली, उनकी तरफ से हैप्पी जर्नी गाइस। दोस्तों बाय बाय, चलते हैं कुछ देर बाद नीचे चलते हैं, फिर पूछते हैं टिकट टिकट घर में जो भैया बैठे हुए थे उनसे पूछते हैं कि कितने दिन तक बंद रहेगी ट्रेनें, ये ट्रेन जो कितने दिन तक बंद रहेगी वो कंफर्म कर लेते हैं। ब्लॉग कंप्लीट, आधा अधूरा ब्लॉग नहीं डालना है, पूरी डब्बी खाली है, देख रहे हैं पूरा डब्बा खाली है पूरा। हैप्पी जर्नी सभी को गाइस, हम पहुंच गए टिकट घर के पास, और यहां से टिकट का भाड़ा है जबलपुर का 125 125 रुपये। आज है 9 नवंबर और कंफर्म नहीं है, लेकिन कल से शायद 10 तारीख से एक दो दिन तीन दिन बंद रहेगी ट्रेनें सुबह की, जो भैया को मैसेज अभी आया नहीं है लेकिन बता रहे, जैसे वहाँ अभी भैया बताएं, भैया भी यहाँ से, भैया से भी मैंने पूछा अभी, हाँ ठीक कंफर्म करके मुझे बताएगा ना, तो कंफर्म करके बताएंगे, तब तक वेट करेगा अब, ठीक है, बने रहेगा ब्लॉग में, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है आप लोग के लिए, जो जिनको नहीं मालूम है कि ट्रेन चालू है कि नहीं चालू है, परेशान रहते हैं, सर्च मारते रहते हैं नेट पे और वीडियो नहीं मिलती, क्योंकि मैंने भी सर्च मारा वीडियो नहीं मिली, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनता है आप सबके लिए, ठीक है, तो बने रहेगा लास्ट तक ब्लॉग में। भैया सर्च मार के देख रहे हैं, पूछताछ में मालूम चलेगा, फिर आपको बताते हैं कि कितने दिन तक ट्रेन बंद रहेगी, मॉर्निंग वाली ये सुबह 4:40 वाली इंटरसिटी जो सिंगरौली से जबलपुर जाती है। सर बहुत दौड़ आ रहे हैं, हम पता नहीं था कितने बजे तक, मतलब कितने दिन बंद रहेगा ये तो नहीं मिला है, कल से बंद है, कल से कितने नहीं मालूम, मतलब कल से बंद रहेगा जी हाँ, एक सप्ताह लगभग, मतलब आज है 9 नवंबर, ठीक है, ट्रेन चली गई है, और भैया से मैंने कंफर्म किया तो भैया पूछ पाछ के मुझे बताएं, थैंक यू आपकी उसका, आपने बताया मुझे, मतलब आज से कितने दिन तक बंद रहेगा ये इनको नहीं मालूम, लेकिन कल से बंद रहेगा, मतलब 10 नवंबर से, तो फिर अगर चालू होती है फिर ब्लॉग बना देंगे आप सबके लिए, और ब्लॉग कैसे लगी आप सभी को मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि सुबह सुबह बहुत मेहनत करके मैं वहाँ से जग के आया हूँ यार घर से, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। 18 तक, अच्छा आज है 9 नवंबर और कल से ट्रेन सुबह, अच्छा 10 तारीख से लेके 18 तारीख तक ये ट्रेन बंद रहेगी, कंफर्म हो गया, थैंक यू भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना दौड़ भाग करके मुझे बताया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, कंफर्म हो गया दोस्तों, कल 10 तारीख से लेके 18 तारीख तक बंद रहेगी ट्रेन। हाँ जी ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली ब्लॉग में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, महादेव में सभी दोस्त को खुश रखें, मस्त रखें, और इनका भी ट्रेन छूट गया, वक्त से पहले आ जाती तो ट्रेन इनका मिल जाता, जस्ट अभी आई हैं और अभी जस्ट ट्रेन चली गई है, इसलिए बताता हूँ वक्त से पहले पहुँच जाएँ आप यार, क्योंकि देखिए ट्रेन छूट जाए बात की बात है, लेकिन वहाँ पर क्या काम है, बहुत इमरजेंसी काम है, हॉस्पिटल जाना है, कहाँ जाना है, तो ये माने देता है, तो आप पहले पहुंच जाए, आप शक्तिपुंज में जाइएगा, आप थोड़ा टाइम वेट करिए, शक्ति उसके बाद शक्तिपुंज है, वो भी मैं ब्लॉग में डाल दूंगा कितने बजे आती है, ओके दोस्तों बाय बाय, हर हर महादेव।